हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हियर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैक्स कैसे करें और कहां करें। तो वैक्स करने के लिए हमें चाहिए वैक्स स्ट्रिप और वैक्स। तो वैक्स आप मार्केट से इजली और कोई भी ले सकते हैं, बट मैं हमेशा चॉकलेट वैक्स यूज करती हूं। तो चॉकलेट वैक्स स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट्स रहता है, इससे स्किन ग्लो होता है और स्मूथ रहता है आपका। अगर वैक्स करते हैं तो हेयर रूट से निकलता है और हेयर ग्रोथ कम होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि वैक्स करते समय क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं रखना है। सो पहले अगर आपका स्किन स्वेटी है, उसे अच्छी तरह से आप क्लीन कर लीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पाउडर का यूज करिए। और वैक्स करते समय आपको वैक्स ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, तो पहले वैक्स अच्छी तरह से ऊपर के नीचे ऊपर से लेके नीचे की तरफ लगाइए। और वैक्स गरम आप गैस पे भी कर सकते हैं और वैक्स वार्मर है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, जो आपके पास इजी हो। सो और स्ट्रिप लगाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है स्ट्रिप और आपको नीचे से ऊपर की तरफ पुल करना है। सो हमारे वीडियो को आप भी देखिए और फॉलो करिए। और कहाँ पे लोग वैक्स करते समय छोड़ देते हैं वो जरूर आप इस वीडियो में देखिएगा और आपको उससे पता चलेगा कि वैक्स करते समय कहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है। सो वैक्स करते समय लगता है सबको कि यहाँ पे हेयर नहीं है तो यहाँ पे नहीं करो, यहाँ पे हेयर है तो यहाँ पे करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैक्स करने का मतलब क्या होता है, हमारे स्किन को ग्लो देना और डेड स्किन निकालना, हेयर रिमूव करना। तो ऑल अबाउट, तो आपको हमेशा स्ट्रिप को अच्छी तरह से आपको पुश कर लेना है, तो प्रेस करके ही आप अच्छी तरह से स्ट्रिप को फिर निकालिए, पुल करिए। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और फॉलो करिए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। और यहाँ पे ध्यान से आपको ये देखना है, सबको लगता है कि पैरों पे यानी फुट पे हेयर नहीं है तो यहाँ पे हम वैक्स नहीं करेंगे, इस ओके चलेगा, बट नहीं, हमारे स्किन को ए टू जेड इक्वल दिखना है, एक जैसा दिखना है। और यहाँ पे भी डेड स्किन और डार्कनेस रहता है तो इसीलिए यहाँ पे भी हम वैक्स करेंगे और हमेशा वैक्स करना चाहिए, हेयर हो या ना हो। तो इक्वल एकदम अच्छी तरह से आपको वैक्स लगा के और यहाँ पे भी क्लीन करना है और वैक्स लगा के अच्छी तरह से आप वैक्स कर दीजिए ताकि डेड स्किन निकल जाए और स्किन ग्लो हो जाए। तो इसीलिए हमेशा फुट पे, नी पे, हर जगह आपको वैक्स करना होता है। वैक्स करते समय यही छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखते हैं ताकि हमारी स्किन अच्छे से ग्लो रहे और इक्वल रहे। सो फ्रेंड्स, आपको यही ध्यान देना है ताकि आपको वैक्स करते समय यही सब छोटे छोटे टिप्स का ध्यान नहीं देते लोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए पहले लेग को भी, पहले फुट को भी अच्छी तरह से लगा के और वैक्स कर लिए, अभी दूसरे को भी अच्छी तरह से लगा के कर रहे हैं। ये वीडियो काफी पुराना है बट मेरे पास था और मिला तो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मेरे पास वीडियो नहीं है। तो एटलीस्ट पुराने वीडियो में ही मैं आपको वैक्स का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, क्योंकि वैक्स करने के लिए, वैक्स कैसे करते हैं, वैक्स कहाँ से लेना है, क्या करना है, एवरी टाइम व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज आता रहता है तो कैसे करना क्या करना है। तो मैंने मेरे लेग का भी बहुत पहले वीडियो डाला था और ये पुराना वीडियो, काफ़ी पुराना वीडियो है तो मैं इसीलिए अभी शेयर कर रही हूँ। तो इससे आपको एटलीस्ट आपको सीखने को मिल जाएगा कि वैक्स कैसे करना है और क्या करना है और किस किन टिप्स का जरूरत है कि वैक्स कहाँ कैसे नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमेशा जो है नी को सेपरेट वैक्स करते हैं ताकि नी एरिया सेपरेट वैक्स करने से नी का जो आपका डार्कनेस है
और निका आपका हेयर है तो एक साथ आएंगे। और नीको हमेशा 2 times करते हैं ताकि ग्लो एक्स्ट्रा आए, और जिसका डार्क नहीं रहे उसका 2-3 times कर दीजिए ताकि डार्कनेस निकल जाए, क्योंकि वैक्स इसीलिए करते हैं कि हेयर रिमूव तो हो ही जाए लेकिन आपका जो डार्क एरिया है उससे ग्लो हो जाता है। इसको क्लीन करने के बाद, आप वैक्स करने के बाद अच्छी तरह से क्लीन करिए, और क्लीन करने के बाद आप अच्छी तरह से यहाँ पे कोई मॉइस्चराइजर लगाइए। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गया, वैक्स हो गया, मॉइस्चराइजर लग गया। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय।